पत्र, हलफनामे की जरूरत हमको पड़ती है डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, या कई बार स्कूल कॉलेजों में गैप सर्टिफिकेट देने के लिए। ये एफिडेविट शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। एफिडेविट होता क्या है, कोर्ट में एफिडेविट कैसे दिया जाता है, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त शपथ अधिकारी के सामने शपथ ग्रहीता अपनी मर्जी से शपथ पत्र पर प्रतिज्ञा करता है और यह लिखता है कि इस शपथ पत्र पर शपथ ग्रहीता अपनी निजी जानकारी और सत्यता के आधार पर उन कथनों का उल्लेख कर रहा है जिस पर उसका पूर्ण विश्वास है। उसके द्वारा लिखी गई हर एक जानकारी निजी ज्ञान से पूर्णतः सत्य व सही है। साधारण शब्दों में समझें तो शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी निजी जानकारी व ज्ञान के आधार पर अपने कथनों को लिखित करवा उन्हें सत्यता की घोषणा करता है। आमतौर पर शपथ पत्र की आवश्यकता कब होती है, आइए जानते हैं। शपथ पत्र की आवश्यकता कब होती है? शपथ पत्र की आवश्यकता कानूनी और गैर कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ सकती है, जैसे विद्यालय में दाखिला लेने संबंधित प्रक्रिया के समय, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधित कार्रवाई के दौरान, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, मूल निवासी बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, अखबार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए, बैंक संबंधित कार्रवाई के दौरान, अन्य ऐसी कई प्रक्रिया के दौरान आपको शपथ पत्र, एफिडेविट या हलफनामे की आवश्यकता पड़ सकती है। एफिडेविट का उद्देश्य क्या होता है, किस प्रकार से एफिडेविट दिया जाता है, एफिडेविट की भाषा क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। एफिडेविट का उद्देश्य अपनी किसी बात को शब्दों में लिखकर किसी सरकारी या गैर सरकारी अधिकारी या कोर्ट के समक्ष लिखित में ये कहने से है कि वह व्यक्ति अपने या किसी दूसरे या किसी के बिहाफ पर जो कह रहा है वह पूर्ण सत्य है। ओथ एक्ट 1969 के तहत यह तय है कि जो भी बयान एफिडेविट में दिया गया है वह सच है। एफिडेविट का इस्तेमाल कोर्ट में भी किया जा सकता है। एफिडेविट को हिंदी, इंग्लिश या अपने राज्य की भाषा में बनवा सकते हैं, पर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में ये इंग्लिश में ही दिया जाता है, या फिर आप कोर्ट की आज्ञा से अपने राज्य की भाषा में इसे दे सकते हैं। एफिडेविट तैयार करने के बाद इसको अटेस्ट कहां पर करवाएं? एफिडेविट की स्टाम्प फीस क्या होती है, आइए जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एफिडेविट दो प्रकार से अटेस्ट होते हैं, पहला ओथ कमिश्नर, दूसरा नोटरी से। जो एफिडेविट सिर्फ कोर्ट में दिए जाते हैं वह सिर्फ ओथ कमिश्नर से ही अटेस्ट होते हैं। जो एफिडेविट किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में दिए जाते हैं वे सिर्फ नोटरी से ही अटेस्ट होते हैं। स्टाम्प पेपर या फीस? स्टाम्प पेपर और फीस, कोर्ट में दिए जाने वाले सभी एफिडेविट पर किसी प्रकार की कोई फीस या स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना होती है। सिर्फ ओथ कमिश्नर को ही अटेस्टेड के पैसे देना पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी एफिडेविट नोटरी से अटेस्ट होते हैं उनमें स्टाम्प पेपर लेना होता है और स्टाम्प पेपर का खर्चा नोटरी आपसे लेता है। कई बार दोस्तों हम कानून का ज्ञान न होने के कारण कोर्ट में या किसी सरकारी अथॉरिटी के सामने झूठा एफिडेविट पेश कर देते हैं। ये झूठे एफिडेविट देने की क्या सजा होती है, कानूनन में इसकी कितनी अधिकतम सजा है, आइए जानते हैं। झूठा एफिडेविट देने पर सजा, अगर कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र एफिडेविट अदालती कार्यवाही के दौरान पेश करता है तो अदालत ऐसे शख्स को अदालत में झूठा सबूत पेश करने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है। उस व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमा चलता है। अदालत के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद का प्रावधान है। वहीं किसी दूसरी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय के सामने झूठा सबूत पेश करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के बदले एफिडेविट पर दस्तखत करता है और उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 पहचान बदलकर धोखा देने का भी मुकदमा बनता है, जिसमें 3 साल तक की सजा है। अगर एफिडेविट का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए किया जाए तो जालसाजी का भी केस बन सकता है। दोस्तों एफिडेविट से संबंधित ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। धन्यवाद।